Hello students, welcome to our chemistry class. Today we are discussing our ion exchange process. It is the one part of our types of your hardness. Previous class we discuss your lime soda process and zeolite process, and today we discuss your our ion exchange process. Ion exchange process kono ta bisara detail discussion kariba, so silent listen. आयन एक्सचेंज प्रोसेस रो कमे प्रथम में देखो लिखा गई छी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस. कैटायंस लाइक कैटायंस एंड एनायंस आर एंड एनायंस लाइक आवर क्लोरीन एंड सल्फेट आयंस. ओके आई प्रीवियस क्लासेस रो कोन पढ़तिले ना टाइप्स ऑफ हार्डनेस जो पढ़तिले टेंपरेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस पढ़तिले. टेंपरेरी हार्डनेस रो कोन मतलब सिंपल बॉइलिंग माध्यम रे आम तार हार्डनेस को रिमूव कर पार्थिले किंतु परमानेंट हार्डनेस डिफरेंट प्रोसेस थिला ताइंक थ्रू गोटे गोटे प्रोसेस आम डिस्कस आज करूचे हैला. तो कैटायंस जो थे कि परमानेंट हार्डनेस जो थे हार्डनेस टा कौन रोच ना कैल्शियम एंड मैग्नेशियम कार ना क्लोरीन आउ क्लोरीन एंड सल्फेट कैल्शियम एंड मैग्नेशियम टा जो रोच तार से हार्डनेस टा को भाव में रिमूव कर पार्टी. कैटायंस लाइक कौन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड एनायंस लाइक क्लोरीन एंड सल्फेट कैन बी रिमूव्ड बाय कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज ऑफ रेजिन्स. रेजिन्स कंटेनिंग कौन कंटेन कर रेजिन्स टा रेजिन्स कंटेनिंग COOH ओके SO3H एंड कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग द H+ आयंस. रेजिन टा कौन कंटेन कर COOH SO3H जो कंटेन कर कौन कैपेबल रोच रेजिन्स पाखे ना रेजिन्स पाखे रोच H+ आयन टाक से कौन एक्सचेंज कर पार. ओके बा केमिटी ना टू कैटायनिक पोर्शन ऑफ मिनरल्स. ओके रेजिन्स कंटेनिंग कौन बहन कर COOH एंड SO3H जो कंटेन कर कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग देयर H+ आयंस टू कैटायनिक पोर्शन ऑफ मिनरल्स इट्स कॉल्ड कैटायन एक्सचेंजर. सिंधी रेजिन्स कंटेनिंग NH2 एंड NHCH3 आर कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग द एनाइनिंग पोर्शन ऑफ द मिनरल्स इट इज कॉल्ड एनाइन एक्सचेंज. सो कैटायन एक्सचेंजर कौन कर कैटायन एक्सचेंजर से कौन कर कैटायन जग H+ आयन को रिमूव कर से कौन कर कैटायन गुड़ को कैटायन कैटायन गुड़ को रिमूव कर एनाइन एक्सचेंजर कौन हो एनायंस एनायन रेजिन्स कौन कंटेन कर NH2 एंड NHCH3 कैपेबल एक्सचेंज कर हाइड्रोक्साइड आयन को रिमूव कर एनायन एक्सचेंजर हो. सो कौ भाव आम आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो तार डिटेल आम ए डायग्राम मध्यम देख पार प्लीज सी इट इज द आयन एक्सचेंज प्रोसेस डायग्राम. ओके तार डिटेल प्रोसेस आम कौन कर बुझीपर कौन हो डायग्राम को डिटेल भल भाव देख. हेलो सर जो कैटायन एक्सचेंजर इट इज योर एनायन एक्सचेंजर. ओके इट इज योर कैटायन एक्सचेंजर इट इज योर एनायन एक्सचेंजर आ भीतर कौन होची ना जेतेबेले आमे हार्ड वाटर को जेतेबेले हार्ड वाटर आमे इंजेक्ट करूचे हार्ड वाटर इंजेक्ट कला परे एठी कौन होची ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हार्ड वाटर इंजेक्ट करले हार्ड वाटर कौन है आमर हार्ड वाटर एठी स्प्रे हो. ओके हार्ड वाटर स्प्रे हेला परे एठी कैटायन एक्सचेंजर माध्यम रेजिन्स माध्यम कैटायन रेजिन्स कौन थिला आमर ना कैटायन रेजिन्स होची कौन कंटेन करची ना COOH एंड SO3H एबडा एठी कौन हबो एठी आमर क्लियर हबो. आफ्टर क्लियर हेला परे आमर कौन हबो ना तार नेक्स्ट तार कैटायन कैटायन्स गुडा कौन एठी रिमूवल हे गेला परे एठी नेक्स्ट जो वाटर रहइबो एठी कौन एनायन गुडा को रहइबो ए जो वाटर टा एबडी मा एपटे इंजेक्ट हुई आम एनआईन एक्सचेंजर को आसो आठ जो पीपीटी रही है वेस्ट प्रोडक्ट ये वेस्ट प्रोडक्ट एपटे बाहर पड़े आसो नेक्स्ट ये कौन हम ये आम डिश व्वाटर ये इंजेक्ट है कौन ये डिश व्वाटर कौन है पुणी स्प्रे हम ये एनआईन एक्सचेंजर मध्यम ये कौन हम पुणी अथर एनआईन एनआईन गुड़ाक ये रिमूव हो पार रिमूव है कौन हम पुणी अथर बेस्ट प्रडक्ट एपटे बेस्ट आसला नेक्स्ट ये सॉफ्ट वाटर आम इजिली पाइपर. बट ये प्रोसेस चलला बेले आमे जे कोली पढ़थिले गोटे प्रोसेस रे कोन होची ना रीजेनरेशन रहूची से प्रोसेस रे कोन रहूतला रीजेनरेशन को प्रोसेस नाम जुलाइट प्रोसेस रे जेपरी
प्रोसेस कंटिन्यूस चली पुणी आउ थे किसी समय अफ होगा रिजेनेट कर ठीक से प्रोसेस को पुणी कौन करा पड़ो रिजेनेट कर तो ये लिखा जाए देख रिजेनेरेसन कौन आम रिजेनेरेसन करूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा सल्फ्यूरिक एसिड मध्यम इंजेक्ट कर पुणी आउ थे प्रोसेस को कौन कर रिजेनेरेसन कर जहाद्वारा कि कौन हम ना ये प्रोसेस पुणी आउ थे रिजेनेट हो भल भाव चली पार ओके ठीक से एनआईन एक्सचेंजर ये प्रोसेस जो अफ हो आसा बेले आम तो कौन कर ना ये प्रोसेस को पुणी आउ रिजेनेरेसन केमी कर डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके एसिड आम पुणी आउ इंजेक्ट करके रिजेनेरेसन कर बुझल तो डिटेल ये डायग्राम विषय कहली पुणी आर प्रोसेस देखा है प्लीज सी द प्रोसेस व्हाट इज द प्रोसेस प्रोसेस कौन कह वाटर इज पास्ड फास्ट कौन कहली से डायग्राम प्रोसेस टा कहीं से डायग्राम मध्यम टोटाल प्रोसेस टा बुझा ओके वाटर इज पास्ड थ्रू केटायन एंड एनायन एक्सचेंजर रेस्पिरेटरी प्रथम कौन हम वाटर टा को वाटर टा ना आम जो हार्ड वाटर टा नई थी हार्ड वाटर केमी पास हम प्रथम केटायन एक्सचेंजर मध्यम जहाँ किसी रिमूव है से बाकी बड़का वाटर पुणी आउ थे एनायन एक्सचेंजर को स्प्रे हम से आउ थे लास्ट गेट कौन पाई ना सॉफ्ट वाटर पाई तो वाटर कंटेनिंग आउटसाइड form anion and cation exchanger is completely free from cation and anion ions water coming out outside jetul amar water ta poli asibo okay nane water ketol na soft water ami jetul paiga se soft water water is coming outside okay water is coming outside kon na anion and cation exchanger madhyam se jetul completely free he gala okay jetul cation केटाइन एक्सचेंजर मध्यम पशिला से केटाइन गुड़ा फ्री है पुणी एनआईन एक्सचेंजर मध्यम एनआईन एक्सचेंजर जो पशिला एनआईन गुड़ा फ्री है टोटल सी जो बाहर को आसा आम डायग्राम देखुले टोटल फास्ट से कौन हम हार्ड वाटर जो एंटर कला फास्ट प्रोसेस कौन कहला फास्ट प्रोसेस तुम कौन कहला फास्ट प्रोसेस देख मुझे वाटर इज पास थ्रो केटायन एंड एनआईन एक्सचेंजर रेस्पेक्टिवली तो प्रथम कौन कह वाटर कौन हो वाटर टाइम कौन कह हार्ड वाटर जो इंजेक्ट कले हार्ड वाटर आम जो इंजेक्ट कले से कौन फास्ट केटायन एंड आफ्टर देन एनआईन एक्सचेंजर मध्यम से पास हो सॉफ्ट वाटर रे बाहर को आसुची ओके बुझला नेक्स्ट कौन कह प्लीज नेक्स्ट कौन कह जो सॉफ्ट वाटर मध्यम से बाहर को आसुची सॉफ्ट वाटर मध्यम से कौन हो बाहर को आसुची से कौन हो वाटर टा फ्री जा कौन कौन फ्री हो केटायन आउ एनआईन फ्री हो जाए से कमी जो केटायन मध्यम से केटायन एक्सचेंजर से पशिला रेजिन्स केटायन रेजिन्स कौन कला केटायन गुड़ा को फ्री कला ओके नेक्स्ट एनआईन एक्सचेंजर जो पशिला एनआईन गुड़ को फ्री कला ओके जस्ट नेक्स्ट जो से बाहर को मिलला से वाटर कौन सॉफ्ट वाटर कहले जहाँकि कौन होना आम नोट लिखाई ओके ना वाटर कमिंग आउटसाइड ओके वाटर कमिंग outside from anion and cation exchanger is completely free from cation and anion anion and cation completely free okay so last point amu se kon kuchi now it is known as deionized water or demineralized water and it is pure or distilled water boli amu koi next se jo water ta bahar milu chi se water ta kon pure distilled water boli amu jo koi pare so next ame kon koriya it is all about your it is the process of your ionization process okay next ami kon koriya na regeneration ji regeneration ami to zeolite process ra mote padhtile okay zeolite process ra ami to regeneration padhtile ame kon padhtile na कौन किसी समय पर जो स्लो ही आसे पुणी तक रिजेनेरेसन करेंगे जेलाइट प्रोसेस कौन ना सोडियम क्लोराइड सल्यूशन को ओके ब्राइन सल्यूशन को इंजेक्ट करते बट ये कौन आम ओके कौन ये इंजेक्ट करा पड़े आमको ना डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड आमको इंजेक्ट करा पड़े ना कौन केटाइन एक्सचेंजर रिजेनेरेसन प्लीज सी रिजेनेरेसन मुझे तुमको कौन कह रिजेनेरेसन कौन हो केटाइन एक्सचेंज resins are regenerated by passing a dilute solution of hydrochloric acid through them okay ta kon hochi cation gura ko cations exchange resins jeto so hi ase ta regenerated koria pai kon koria padio angu na passing koria padio kon passing koria padio a dilute sulfur dilute solution of hydrochloric acid all sulfuric acid motha me nei paria tethre kichu osuda ola ame kon or kon ame nei paria na
सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मध्ये नेबे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आमे जेतो पुनी अथरे री इंजेक्ट करछ ओके इंजेक्ट जेतो करछ पुनी ना री जेनेरेट होबा पाइम ओके हमर कोन मिले हमर सॉल्यूशन लिखा छै ना जेतो हमर एथरो ए हार्ड वाटर रे ओके एथरे कोन अछि ना कैल्शियम अछि कोन कैल्शियम हार्ड वाटर हि अछि तो एठी आमे जेतो कोन करले ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम कोन मिलला हमको ना प्योर हमको हार्ड वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड ओके पुनी अथरा हम कोन मिलला हार्ड वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड मिलला पुनी अथरे प्रोसेस माध्यम पुनी एनायन एक्सचेंजर कोन होछ हमको एनायन एक्सचेंजर कोन होछ जनरेटेड बाय पासिंग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आमे जतो पुनी अथरा तक स्टार्टिंग करू छी कोन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जतो आमे जे मिसेबा पुनी से हम कोन ना हाइड्रोक्साइड मिलिबो पुनी अथरे सोडियम क्लोराइड हम एक्स्ट्रा मिलिबो बुझि पडछ कि नै यस सो इट इज द रीजेनरेशन प्रोसेस रीजेनरेशन प्रोसेस केते बेले होई वी सी द डायग्राम ओके डायग्राम देखो कोन होछि एटी जेतला हमर ऑफ हे जाउतबो धीरे धीरे ऑफ हेला पर पुनी अथरा में ई जनरेशन करबा री इंजेक्ट करबा री इंजेक्ट कोन करिया ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जेतला हम कैटायन पाइली इंजेक्ट करबा पुनी अथरी से स्टार्ट होबो पुनी अथरी हमर जेतला स्लो हे जो एनायन पाइली हम कोन करिया ना डाइल्यूट हमर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम कोन करिया ना इंजेक्ट करि परबा बुझि परछो नेक्स्ट हम देखिए कोन ना एडवांटेजेस advantages and disadvantages of your ion exchange process kon huchi are highly acidic and alkaline water can be treated ion exchange process are highly acidic and alkaline and can be treated water nearly zero hardness can be obtained are kon na zero hardness are hardness purely upare ame kon koibe jo water amko milibo sethra kichhi modhe hardness rahibo and pure water ame pura pai pariba okay ko process na ion exchange process it is the advantages of your ion exchange process disadvantages kon hochi na equipments is costly and expensive chemicals are needed amar kon hochi na ethir jo amar kon use korche ना इक्विपमेंट्स यूज करछे से इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली होची ओके ता किनिबा सब समस्त पखे कष्ट साध्य हे पड़िवो एंड आउ कोन होची ना एक्सपेंसिव केमिकल्स बहुत हाई क्वालिटी केमिकल्स मैं एथरे कोन यूज करूची ओके ना पुन नेक्स्ट कोन रहूची इफ वाटर कंटेंस टर्बिडिटी देन द आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज रिड्यूस ओके इट इज द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ योर आयन एक्सचेंज प्रोसेस ओके प्रीवियस क्लासेस रे हमें कौन देखि थिले टोटल देखि थिले हमें शॉपिंग एरर रे ना टू टाइप्स ऑफ शॉपिंग ऑफ वाटर थिले हमें कौन ना फॉर परमानेंट हार्डनेस एंड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस आउट कौन थिले टेंपरेरली हार्डनेस तो हम रिमूव करबा जानिथिले परमानेंट हार्डनेस कौन थिले हमर ना एक्सटर्नल एंड योर इंटरनल प्रिवेंटिव मेथड एंड योर करेक्टिव मेथड ओके प्रिवेंटिव मेथड हाँ प्रिवेंटिव मेथड और एक्सटर्नल मेथड कौन पढ़ी जिओलाइट प्रोसेस लाइम सोडा प्रोसेस एंड इट इज योर आयन एक्सचेंज प्रोसेस ओके जिओलाइट प्रोसेस विषय तुम पूर्व कही ओके तार जी री जेनेरेशन विषय कही बर्तन आज नेक्स्ट लाइम सोडा प्रोसेस विषय कही आज टोटल डिस्कस कले कौन ना योर आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड आम जो नेक्स्ट रोच ना एथिर जो केती पर्यंत रो जो हार्डनेस रहूची तर को केती पर्यंत रो जो हार्डनेस होछ तर हार्डनेस को हम एस्टीमेट केमिट करबा ओके तर गो प्रोसेस होछ ओके से प्रोसेस विषय बर्तन हम देखि इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट हमर एग्जाम रे मध्य ए प्रोसेस आसे ओके देखो आज हम कोन देखियो व्हाट इज द प्रोसेस ईडीटीए मेथड ओके एस्टीमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय ईडीटीए मेथड ओके इथिलीन डाइएमिन
tetraacetate. Okay, so it is a complex geometric titration. What is the structure of ADT? Please see on the screen. What is the structure? It is the structure of the ADT. Okay. Ether conduci tomoku. What is the full form of ADT? Na ethylene diamine tetraacetate. Okay, that means it is your ethylene. Okay, ethylene diamine, that is your N connected and tetra, that means 4. Ami janche. Okay, acetate. Okay, ame three attach korchi. Sodium acetate and your hydrogen ion. Okay, yes. That means total hardness of water is estimated. Total hardness of water is estimated by titrating the water sample against EDT using ame kon equipment boli ame use korche na gute EDT against ame kon use korche na urochrome black tea gute indicator hisabare ame use korche ja ki amaku helpful hobo amaro kon na estimate the hardness of water. Okay, gute वाटर हार्डनेस के ठीक अछि त एस्टिमेट करिया के बोली हम कोन ईडीटी मेथड माध्यम रे हम त कोन जानि परबा ताको हम कोन यूजिंग करछ न इरकम ब्लैक टी इंडिकेटर बा ईबीटी इंडिकेटर. व्हाट इज द प्रिंसिपल्स? व्हाट इज योर ओके दैट्स योर ब्लू कलर. ओके इरकम ब्लैक टी दैट्स योर ब्लू कलर कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम और हार्ड वाटर. ओके जेतो हम मिक्सिंग करू छी. ओके इट गिव्स राइज टू व्हाट? ईडीटी ईबीटी इरिक्रोम ब्लैक टी कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स हम मिलिबो. ओके दैट इज योर व्हाट हमर कोन मिलिबो ना वाइन रेड कलर मिलिबो. तो इरिक्रोम ब्लैक सी सेटा हम कोन कैल्शियम मैग्नीशियम हम जेतो अटैच करछे हम कोन मिलिबो ना ईबीटी कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलिबो जति कि ଆମର ୱାଇନ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିବ ନା ଆଉ କେତେବେଳେ ନା ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିବ ନା ଏଇଠି ଆମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପିଏଚ୍ 9.5 to 10 ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ପିଏଚ୍ 9.5 to 10 ୱିଥ୍ ଆଡ୍ ବଫର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଓକେ ସୋ ଆମେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓକେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ଇଡିଟି ନେବା. ओके सेथरे हम कोन करिया ब्यूरेट एडीटी नबा ईडीटी ब्यूरेट नबा. ओके नेक्स्ट हम कोनिकल फ्लक्सर कोन नबा हार्ड वाटर प्लस सेथरे कोन मिसेबा हार्ड वाटर प्लस सेथरे मिसेबा बफर सॉल्यूशन प्लस 2 टू 3 डॉप ऑफ ईबीटी इंडिकेटर. ईबीटी इंडिकेटर इरोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर. ओके यस सेथरे हम इंडिकेटर को तो हमर कोन होची प्लीज सी द हमर कोन आसीओ ब्लू टू हमर एंड पॉइंट कोन आसीबो ना वाइन रेड टू ब्लू कलर हमर आसीओ. ओके हमरो टर्निंग पॉइंट रहइबो कोन वाइन रेड कलर टू ब्लू कलर आमे आनिबा. ओके ब्लू कलर हमर कोन डा रहउची ना इरोक्रोम ब्लैक टी सहित हमर तो कैल्शियम मैग्नीशियम मिसिबो. ओके दैट मींस इट इज योर हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके आमे केते पीएच रे मिसुची इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट 9.5 टू 10 पीएच सेथरे बफर सॉल्यूशन एड रे हम कोन मिलची ना ईबीटी कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलची दैट इज योर वाइन रेड कलर. ओके सेथरे हम कोन मिसुचे ना जतलो जों समय रे हमर ईडीटी प्लस हमर कॉम्प्लेक्स मिस जीबीटी कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स वाइन रेड कलर. ओके ने जतलो हम मिसे. ओके सेम पीएच 9.5 टू 10 विद एड बफर सॉल्यूशन हम कोन मिले बफर सॉल्यूशन दैट मींस योर अमोनिया गल. ओके NH4OH प्लस NH4Cl हम कोन मिलबो ना ईडीटीए कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स प्लस फी EBT indicator ratio, that is blue color ratio. Okay, this equation को हमें out करिया पड़ेगा. Okay, बाहर करिया पड़ेगा. तो ये तो हमें तो हम end point कौन मिलु ची? End point रे मिलु ची कौन? ना wine red to blue color ratio. क्यों मिलती ना EDT है? Okay, what is your EDT है? मुतुंगो एवं बोल कही ची what is your EDT है? ना ethylene diamine tetraacetate. It is the structure. Okay, it is the structure. आज इतना जतन हमें कौन मिसे बा? ना यूजिंग तो हमें टेम्पररी हार्डनेस हम जो परमानेंट हार्डनेस होचे से हार्डनेस जानिया में हमें यूजिंग कोन करचे ना ईडीटी मेथड माध्यम रे हमें इरोक्रोम ब्लैक टी यूज करचे इंडिकेटर. ओके ने प्लीज सी द सैंपल. ओके जतल कोन होचे ना ईडीटी रे हमें इरोक्रोम ब्लैक टी दैट इज योर वाइन रेड कलर आसी. ओके
EDTA complex ta EBT EBT complex jetol amar asla it is jara asla EBT complex wine red color asla ami kete pH na 9.5 to 10 pH buffer solution with add buffer solution ta ami jetol add kariba buffer solution kon seta ammonium NH4OH plus NH4Cl it is amar kon miliho na EDTA calcium plus magnesium 2 plus complex ओके EDTA complex plus three EBT indicator blue solution ला हमको मिलेगा सो क्या मिलती इंटर स्टेबिलिटी कौन रहो ची स्टेबिलिटी रहो EDTA calcium magnesium complex greater than EBT calcium magnesium complex ओके प्लीज सी द नेक्स्ट स्लाइड सम स्टेप्स इन्वॉल्व What is your step one? Preparation of standard hot water. Okay, 1 gram of calcium carbonate. It is your calcium carbonate. Man. It is your calcium carbonate. Okay. It is your CaCO3 calcium carbonate. Okay, 1 gram of calcium carbonate. With add 1000 ml of water that means 1 liter of water so the molarity am bahar korche kete 0.01 mole okay molarity bahar kale to first step kon ruchi amra preparation of standard hard water next step kon ruchi standardization of EDTA solution am eta known renaba okay known that means 0.1 molar EDTA okay dekho ami kouthu naba na burette naba to ami flux er kon naba conical flux er kon naba ami conical flux number 20 ml of standard hard water plus buffer solution 1 ml that means 2 to 3 drops okay EBT indicator plus EBT indicator idokrom black tea indicator okay that means am kon asu wine red color to blue color am aniga okay amra em kon rochu wine red color to blue color am aniga amra em to m1 v1 is equals to using the equation m1 v1 is equal to m2 v2 what is your m1 v1 m1 is equal to M1 it is your molar of EDTA plus V1 is equal to burette reading BR that means your burette reading M2 is equal to 0.01 mole and V2 is equal to 20 ml. Okay, our kete na concentration of EDTA will be known. Ami tar concentration da itu bahar kori pariba. Next ami kon dekhiba na step 3. Step 3 re amko estimation of hard water of a given sample. Amu jo sample la deji seta kon na hard water given sample is your what? हमर कोन ना हार्ड वाटर केते 40 ml आमे नबा सेतर कोन मिसय न 1 ml बफर सॉल्यूशन सेतर कोन मिसय ना ईबीटी इंडिकेटर दैट मींस कोन आसी हमरो वाइन रेड कलर आसीबो प्लस ईडीटीए ब्यूरेट जो ईडीटीए तार प्रेजेंस रे हम कोन ना ईडीटीए कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स आबा ओके ता कोन आसीओ ना ब्लू कलर आसीबो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ओके ने बफर सॉल्यूशन हमर जो सैंपल आसी सैंपल वाइन रेड कलर ओके नेक्स्ट हमर जो ईबीटी इंडिकेटर दैट इज योर ब्लू कलर ओके एगुरा सो इंपोर्टेंट दिस कलर को हम इंपोर्टेंट मन रखे पड़ नेक्स्ट हम कोन ये कर परबा प्लीज सी इट इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 3 दैट इज योर m1 v1 इज इक्वल टू m3 v3 m1 इज योर मोलर ऑफ ईडीटी दैट मींस हम अनथिले स्टेप 2 रे जाके जानचे ओके नेक्स्ट व्हाट इज योर v1 दैट इज योर ब्यूरेट रीडिंग m3 मोलर ऑफ योर हार्ड वाटर नेक्स्ट v3 इज 40 ml ओके नेक्स्ट दिस इक्वेशन यूजिंग we get m3 is equal to m1 v1 by v3 is equal to x molarity x moles ram x ppm kem janba na multiply over 10 to power 5 okay what is why 10 to power 5 na calcium carbonate ro gram molecular weight hoch ketena 100 with amro 1000 okay we get x ppm total hard water total hardness of water amra aila it is most important please remember it is your total hardness of water step 4 re kon hoch amro step 4 estimation of permanent of hard water the total hardness of water it is permanent hardness of water am milbo to kete na 1100 ml of water na ta boiling kale amar kon 20 minute boiling kore that means tar half of it amar water milijibo ta ki amar temporary hardness ta palebo ta am filter kala par am kon na only permanent hard water pai paria okay permanent hard water pai bolla pore am kon koriba na ta ko okay pune othare wine red color aniba wine red color that means kon permanent hard water plus 1 ml buffer solution plus EBT indicator mesela mo wine red color okay wine red color that means wine red color tapra
m4 v4 এমন ইজ গুলো মোলার ইন্ডিকেটর v1 v রিডিং m4 ইজ গুলো মোলার ফর পার্মানেন্ট হার্ড ওয়াটার প্লাস v4 ইজ গুলো 20 ml তো m4 ইজ গুলো m1 v1 / v4 ইজ গুলো y মোল আসলে ওকে না নি তো লাস্ট ওয়ান ইজ ইওর আমি লাস্ট কোন পাই পড়িবা না y আমার আসলে y কো আমি 10^5 মোলার আমি কোন করে মাল্টিপ্লাই করে y ppm আসলে তো টোটাল হার্ডনেস আমি তো টেম্পোরারি হার্ডনেস কেমনে আমি বাহির করি পড়ি না টোটাল হার্ডনেস অফ ওয়াটার ইজ টেম্পোরারি হার্ডনেস প্লাস পার্মানেন্ট হার্ডনেস তো টেম্পোরারি হার্ডনেস আমি টোটাল হার্ডনেস জানছি x ppm পার্মানেন্ট হার্ডনেস জানছি কি y ppm তো টেম্পোরারি হার্ডনেস ইজ ইকুয়াল x - y ppm ওকে ইট ইজ টোটাল ইওর EDTA মেথড নেক্সট ক্লাস উই ডিসকাস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট র ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনস ওকে ক্লোজ করে